तो जी शाम का टाइम हो चुका है और मैंने नहला दिया है पशुओं को। तो अब ज़्यादा गर्मी होने लग गया ना, तो तीन बार किताब नहीं उठा रहा, पढ़ नहीं रहा, क्या कर रहा भैया? फोन देख रहा। और तू भी नहीं पढ़ रही, अब तेरी भी पिटाई होगी। ठीक है, बड़ी मम्मी को तो कह रही बड़ी मम्मी, वो पढ़ नहीं रहा। तो देखो जी, मैंने इसको नहला दिया है और उस वाली हमारी जो गाय है उसकी डिलीवरी होने वाली है, एक दो दिन में हो जाए। तो जब भगवान का हुक्म लगा होगी तो जब, तो लगता है एक दो दिन में तो हो ही जाएगी। और तीनों को नहला दिया मैंने यहाँ से और बांध दिया है। और अब इनका जो चारा बचा हुआ है उसमें लगाना है चोकर से, तो ताकि जल्दी से फिनिश हो जाए। ये देखो जी, और इसको बांधना है वहाँ पर ले जाकर पोटरी में। तो यहाँ पर निकाल दिया है दूध और यहाँ पर ले बांधे हैं बच्चे। पशुओं को नहला के आ गई हूँ मैं छत पे और अब मुझको निकालना है दूध। तो सबसे पहले उठा लेते हैं दूध की बाल्टी। तो ये ले ली है मैंने दूध की बाल्टी और इसमें ले लिया है थोड़ा सा पानी, तो जिससे गाय के थन धुलें। और उसके बाद में दूध निकालने के बाद में मुझको नहाना है, क्योंकि कपड़े भीग जाते हैं पशुओं को नहलाने में और गर्मी भी काफ़ी हो रही है इस वजह से। और पीऊ खेल दिया नीचे और गोरी को सुला दिया है पापा ने अपने पास। तो शाम का टाइम हो चुका है और तरुण जो है इनका बड़ा भाई है और वो कर रहा है यहाँ पे साइकिल का सारा सामान निकाल दिया है और अब साइकिल में लगाएगा। तो छोटे वाले भैया ने, मैंक ने तो निकाल दिया था साइकिल का सारा सामान और अब तरुण लगाएगा सारे सामान को। और वंदना चल दी है ऊपर और मैंने निकाल लिया है दूध पशुओं को नहलाने के बाद में, दूध निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम जो है दीदी बैठ गई थी लड्डू लेकर और मठड़ी, और सारे बच्चे आ गए थे और सब कुछ दे दिए थे। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बंदर भी प्लानिंग बना रहा था नीचे कूदने की, कि नीचे बच्चे लड्डू खा रहे हैं कब मौका लगे कब मैं कूद के जाऊँ। तो बंदर ने पूरी ताल बैठा के बैठा था, तो फिर मैंने इसको डंडी से भगा दिया था क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे लड्डू खाते रहे थे, तो इस वजह से बच्चे कर रहे थे चाची बंदर को भगा दो। तो मैंने बंदर को धमका दिया था और मयंक चिढ़ा रहा था बंदर को, बंदर ले लड्डू ले लड्डू। तो जी आज काफ़ी टाइम के बाद आए थे बंदर और बहुत सारे बंदर आ रहे थे। तो इस बंदर के बहुत सारे दोस्त थे, वे अगली वाली छत पे जा चुके थे नीम पे, और ये एक बैठ गया था, इसका ध्यान पड़ गया था लड्डुओं पर, बच्चे लड्डू खा रहे थे ना तो उस पर, तो इसलिए ये बच्चों को देख रहा था। और मैं गोरी को लेके घूम रही थी क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। तो ये है अगले दिन का ब्लॉग नेक्स्ट डे। तो मॉर्निंग टाइम हो चुका था और मैंने झाड़ू लगाने स्टार्ट कर दी थी। तो वंदना के डैडी को चाय दे दी थी मैंने बना के, क्योंकि वे जल्दी ही खेत में चले जाते हैं इस वजह से। और वंदना और गोरी को भी पिला दी थी और बिस्तरे इकट्ठे कर दिए थे, मच्छरदानी हटा दी थी, बाकी के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने दोनों जो चारपाइयाँ हैं उनको कर दिया था साइड में और उसके बाद में लगा रही थी मैं झाड़ू। तो दोनों रूम की झाड़ू हो चुकी हैं, तो पूजा वाले रूम का झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है मैंने, और उसके बाद में करेंगे बाकी की साफ़ सफाई। तो फिर नहा धो के करनी है पूजा। तो पूरी छत पर दोनों साइड किचन की साइड भी और अंदर बरामदे में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, और झाड़ू कंप्लीट करने के बाद में पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो पूजा वाले रूम में तो मैंने पहले ही लगा दिया था पोछा और अब लगा दिया है जिसमें हमारा बेड पड़ा हुआ है उस वाले रूम में, और अब लगा रही हूँ मैं बाहर। तो बाहर को पोछा लगाने के बाद में उसके बाद में मुझे किचन की साइड धुलना है। तो पोछा लगाते लगाते भी इतने में थक जाती हूँ, तो इसलिए किचन की साइड में धुल देती हूँ पानी डाल के, तो जल्दी से हो जाता है। तो बैठे बैठे इतने बड़े
आंगन में पोछा लगाते भी थक जाते हैं, सरकने में प्रॉब्लम होती है। और दो तीन दिन से हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा पैन, तो काम तो करना ही पड़ता है। और तो झाड़ू पोछा तब तक घर में साफ सफाई ना हो तब तक मन भी नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा कर दिया है और फिर नहलाना है बच्चों को। तो इसीलिए मेरा जो है खाने का ब्लॉग नहीं बन पाता, क्योंकि थोड़ी सी हो रही है तबीयत ख़राब, और मैं खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह बना लेती हूँ। तो जी गर्मी हो रही है काफ़ी, और मैंने पशुओं को नहला दिया है, तो ये नेक्स्ट डे है। तो जो स्टार्टिंग का ब्लॉग है वो फर्स्ट डे का है और ये है नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स पशुओं को नहलाने के बाद मैं नहा धो के सब काम निपटा लिया है और खाना बनाना बाकी रह गया है। तो खाना बनाऊँगी तब जब वंदना के डैडी का फ़ोन आएगा, तो अपने लिए तो हम बना लेते हैंगे दलिया। वैसे आलू उबाल के रखे हैं तो आलू के पराठे सोच रही हूँ, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। और हमारे घर में जल्दी ही आने वाला है एक नन्ना सा मेहमान, तो मिलवाएंगे आपको। तो जो हमारी गाय है हनी, तो उसकी डिलीवरी होने वाली है। वैसे तो हम उसने उसको बेचने वाले थे, यानी कि देने वाले थे किसी को, तो अभी कोई ग्राहक वगैरह नहीं आ रहे हैं क्योंकि काम का टाइम चल रहा है, तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो अभी उसको जो है 22 यानी 26 तारीख से 10वां मंथ लग गया है, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब उसकी डिलीवरी कभी हो जाए, तो गाय की डिलीवरी को 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में कभी भी हो जाती है, किसी की जल्दी भी हो जाती है, इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है। तो वंदना के डैडी बोल रहे थे तो एक आध दिन और लेगी, तो जल्दी ही हमारी जो गाय हैं उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो भगवान उसकी डिलीवरी अच्छे से करा दे, क्योंकि उसको ना जो हमारी बड़ी जेठानी है और उनकी गाय है ना, वो गाय हमारी जो सींग वाली है उसको ना उनकी गाय ने टक्कर मार दी है, और प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसके ना खरोचे लग रही है बहुत ज़्यादा। तो वो मैं दिखाऊंगी आपको, अभी तो वो बैठी हुई है, जब खड़ी हो जाएगी जब दिखाऊंगी, और वो आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी मुझे जाना है कहीं, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बस अपने व्लॉग की एडिटिंग करके तो चलते हैं। और उसके ना जो है सींग मार दिए है, और उसके जो खून निकल रहा था हल्का हल्का, तो उस पर मैंने लगाया था हल्दी और तेल मिला के, और डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर ने बोला है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो लगा ही रहता है कि प्रेग्नेंट है और गाय ने उसको अपने सींगों पर उठा लिया था पिछले पैरों से, तो इसलिए वैसे तो ठीक है, चारा वगैरह भी खा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट है मन में कि कहीं भाई हमारे पशु को कुछ होना, या डॉक्टर तो बोल के गया है कि बिल्कुल ठीक है,